पॉलिनोमियल पे बेस्ड है, प्रीवियस एमटीएससी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स ऑफ एक्स रेज टू पावर फोर, एक्स रेज टू पावर फोर माइनस 11x क्यूब प्लस kxk एंड प्लस 269x माइनस 2001, इसकी 4 डिग्री है तो इसकी रूट्स कितनी होंगी? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, 4 रूट्स होंगी। एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, दिस इज -69। एंड आपके पास यहां इस पॉलिनोमियल से देखें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा इनटू डेल्टा, ये क्या बता रखा है, क्या आ जाएगा आपके पास? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ दिस इज एक्स रेज टू पावर फोर हाईएस्ट डिग्री ऑफ कोफिशिएंट, दिस इज -2001। एंड कोई भी दो रूट सेवन का प्रोडक्ट -69 है, सो डेल्टा इनटू गामा दिस इज -2001 अपॉन -69, इसको डिवाइड करेंगे दिस इज इक्वल टू 29। सो अदर जो टू रूट्स बची हैं उनका प्रोडक्ट आपके पास कितना है? दैट इज -29, सॉरी नॉट माइनस, दिस इज +29। सो ये 4 डिग्री की इक्वेशन है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एक्स एक्स के माइनस, मान लो जो दो रूट्स हैं जिनका प्रोडक्ट 29 है उनका सम ए है, तो माइनस ए इंटू एक्स प्लस 29। एंड दूसरी क्या लिख सकते हैं, दूसरी जो दो और रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट -69 है और मान लो उसका सम क्या है आपके पास, बी। सो ये इक्वेशन आ जाएगी एक्स के माइनस बी एक्स एंड -69। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आएगा, एक्स रेज टू पावर फोर माइनस बी एक्स के क्यूब एंड -69 एक्स के माइनस ए एक्स क्यूब एंड प्लस ए बी एक्स के एंड -69, दिस इज +69 ए एक्स +69 ए एक्स एंड अब 29 से करेंगे दिस इज इक्वल टू +29 एक्स के -29 बी एक्स एंड -2001। अब कॉफिशियंट्स को कंपेयर करेंगे इसमें, इस इक्वेशन में और इन दोनों के प्रोडक्ट में, आपके पास एक्स रेज टू पावर फोर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स क्यूब है एंड प्लस ए बी माइनस दिस इज 69 एक्स के, 29 एक्स के प्लस का है, दिस इज -40 इनटू एक्स के एंड प्लस क्या आ जाएगा, दिस इज एक्स के कोफिशिएंट क्या होंगे आपके पास, एक्स के कोफिशिएंट दिस इज 69 ए एंड दिस इज -29 बी एंड और एक्स क्या है आपके पास, यही है इनटू एक्स एंड -2001। अब इनके कोफिशिएंट्स को अगर आप कंपेयर करते हैं, इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा, तो
इनके कोफिशियंट्स को कंपेयर करेंगे, आपके पास एक्स क्यूब का कोफिशियंट -11 है, यहाँ पर क्या है आपके पास, दिस इज -a+b, सो a क्यूब के कोफिशियंट्स को कंपेयर किया, a+b इज इक्वल टू क्या है आपके पास, दिस इज 11, एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट दिस इज ab-40, इस इक्वेशन में है, यहाँ पर क्या है, दिस इज इक्वल टू k, एंड k की वैल्यू ही आपको फाइंड आउट करनी है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास x का कोफिशिएंट, दिस इज इक्वल टू 269 है, 269, एंड लेफ्ट हैंड साइड में 69 a-20, दिस इज 9b, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, दिस इज 16, ये लिख दें आप, दिस इज माइनस कर दें ए और बी के अंदर वैल्यू, या तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 11 है आपके पास, बी की वैल्यू ए में ले लो, क्या आ जाएगा, दिस इज 69 a-29 इनटू क्या है आपका ए प्लस बी, सॉरी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, दिस इज 11 - a इज इक्वल टू 269, ये क्या होगा आपके पास, दिस इज 29 प्लस के हैं, दिस इज 9 और 9 88 a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 269, राइट हैंड साइड में है, एंड प्लस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 99, दिस इज 1, एंड ये आ गया आपके पास a एंड दिस इज 5, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 9 है, a इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 6, a 6 है तो आपके पास यहां से b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस इज 5, सो ab इज इक्वल टू क्या, a इनटू b क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 5 है, दिस इज 30 - 40 इज इक्वल टू k, एंड k विल बी -10, दिस इज -10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ये कह रहा है द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ, आपके पास एक एक्सपेंशन दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है, उसमें कोफिशिएंट्स निकालने हैं, उस फंक्शंस में कोफिशिएंट्स का सम निकालना है, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इफ 16x³ - 11x+2+1 इनटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 216 इनटू एक्स रेज टू पावर 2020। देखिए आपके पास एक सर्टेन एक्सपेंशन है, लाइक दिस इज एक्स प्लस 1 रेज टू पावर एन है, एक्स रेज टू पावर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू 1 है, या कोई सिंपल ले लो, लाइक आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, दिस इज 2xk+9x+1 है, एंड फाइंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स, क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, दिस इज 2+9+1, क्या आ गया आपके पास 11, 12। सो सिमिलरली 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन किया, दिस इज क्या होता है mc0+mc1 x+mc2 xk+mc3 दिस इज x³　(lastmcn x raised to power n, ये इसका एक्सपेंशन होता है। अगर इन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम पूछेंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या रख दो, x इज इक्वल टू 1 रख दो, 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू mc0+mc1+mc2+(lastmcn), सब का सम किसके इक्वल हो गया, 2 रेज टू पावर 1 n, मींस आपने कैसे निकाला कोफिशिएंट्स का सम, x इज इक्वल टू 1 पुट करके निकाला है, एंड आपके पास क्या पूछ रहा है, दिस इज आपके पास एक्सप्रेशन है 16 x raised to power 16 minus 11x and plus 2 into f of x, this is equal to 216,
x raised to power 2020 and fx में coefficients का सम पूछ रहा है, means ultimately आपको f1 निकालना है कितना है, f1 find out करना है, तो इस equation में x is equal to 1 put कर दो, this is 16 minus 11 plus 2 into f1, f1 की value आपको निकालनी है, this is 2016 into 1 की power 2012, f1 क्या आ जाएगा आपके पास, this is 2016 upon, this is क्या आएगा आपके पास, 18 minus 11, this is equal to क्या आ जाएगा आपके पास 7, this is 2 and 8 and again 8, this is equal to 288. Next question जो discuss करने वाले हैं वो graph का question है, आपको दे रखा है कि find the graph of y is equal to fx या y is equal to क्या दे रखा है px, इसका graph दे रखा है and graph ये है, इसका ये graph है, this is the graph, ये graph है given below, then number of zeros आपको find out करना, zeros ये find out करना, so यहाँ पर जहाँ y is equal to 0 हो जाएगा, यहाँ y is equal to 0 होगा, x की वो values क्या होंगी, इसके zeros होंगे, कहाँ पर कितने places के ऊपर y 0 हो रहा है, यहाँ पर this is 1, 2 and 3, number of zeros 3 है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जितना आपको दिख रहा है, अगर आपके पास कर्व ये होता, यहां पर कर्व अगर ऐसे दे देता ये, this is ये कर्व दे दो, अब पूछता कि y is equal to क्या है, ये यहां पर एक जगह टच कर रहा है, इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या है, इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या आएंगे आपके, वो पूछ रहा है, तो देखिए यहां पर आपने नंबर ऑफ जीरोस 3 बताए हैं, यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, these are 4, क्यों, क्योंकि जब आपके पास y is equal to x raised to power n plus x raised to power n minus 1 a naught plus a 1 x minus 1 a 2 इस तरह का कोई polynomial है, अगर आप उसका graph draw करते हैं, अगर आप उसका graph draw करेंगे and उसकी degree अगर odd है, graph नीचे से चलेगा, graph downward से start होगा and उसकी अगर degree even है, graph आपका क्या होगा, upward से start होगा, ये form है, ज्यादा नहीं cubic की बात कर लो, अगर मान लो y is equal to आपके पास x cube है, graph x is equal to minus 1 रखेंगे, y is equal to b negative आएगा, means दोनों coordinate negative होंगे, नीचे से शुरू होगा, यहां पर सीधा दिखाई दे रहा है कि px की डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी कितनी है आपके पास, this is 3 degree का है, लेकिन यहां पर ये इसको टच करता हुआ जा रहा है, यहां दो केस होते हैं, जैसे quadratic equation में पढ़ते थे, आपके पास अगर parabola ऐसा है तो दो रूट्स हैं, दोनों coinciding होती हैं, यहां पर भी ये हो सकता था कि दो रूट हो तो 0 हो जाते, लेकिन यहां दो रूट नहीं है, इस बात को नकार सकते हैं, क्योंकि ये ग्राफ आपका डाउनवर्ड से स्टार्ट हुआ है, इट मींस ये ग्राफ क्या है, ओड डिग्री रखता है एंड इवन डिग्री रखेगा, ये आपका अपवर्ड से स्टार्ट हुआ है, इवन डिग्री रखेगा, तो आपकी इसकी जीरोस यहां पर दो जीरोस काउंट होंगी, क्योंकि 1, 2, 3 प्लेसेस के ऊपर तो टच कर ही रहा है, मिनिमम 3 तो होंगी, लेकिन अपवर्ड से स्टार्ट है, तो इसका मतलब इवन होंगी इसकी, और इवन कम से कम कितनी हो सकती है आपकी, कम से कम डिग्रीज की कितनी होगी, दीज आर 4 डिग्रीज, बोलो ये बात क्लियर हुई या नहीं, अरे ये बात क्लियर है क्या, बोलिए, नेक्स्ट देखिए,
तो नंबर ऑफ जीरोस इसकी कितनी हुई आपके पास? दिस इज थ्री जो गिवन था उसकी, और नेक्स्ट जो मैंने बताया था उसमें उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी हुई आपके पास? फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहता है कि आपके पास पी एक्स, पी एक्स इज इक्वल टू आपके पास x रेज टू पावर 5 प्लस ax रेज टू पावर 4 प्लस bx क्यू एंड प्लस cx के प्लस d प्लस e dx, सॉरी दिस इज dx प्लस e है, हैज फाइव डिस्टिंक्ट इंटरसेप्ट्स, हैज फाइव डिस्टिंक्ट x इंटरसेप्ट्स। Means, ये कर्व डिस्टिंक्ट प्लेसेस के ऊपर एक्स एक्सिस को फाइव प्लेसेस के ऊपर कट करता है, फाइव प्लेसेस के ऊपर कट करता है। इट मींस दिस कर्व इज लाइक दिस, 1 2 3 4 5 फाइव प्लेसेस के ऊपर करता है, ये हो सकता है या अप नेगेटिव है ऑब्वियसली, और डिग्री है डाउनवर्ड से स्टार्ट कर दो। अब देखिए, अब इसके बाद ये कहता है वन ऑफ व्हिच, एक कोऑर्डिनेट कौन सा है? जीरो, जीरो कोऑर्डिनेट व्हिच एक आपका ये इंटरसेप्ट एक्सिस को कहां करेगा? जीरो जीरो पे। बाकी बचेंगे, बाकी सारे के सारे एक्स कोऑर्डिनेट उसके नॉन जीरो होंगे, बाकी उसके एक्स कोऑर्डिनेट नॉन जीरो होंगे, क्योंकि पांच इंटरसेप्ट दिए हैं and all the five intercepts are distinct. So इसका मतलब एक आपने अल्फा ले लिया, एक बीटा ले लिया, एक आपने गामा, एक डेल्टा और एक कोई भी ले लो डब्ल्यू ले लिया। अब एक तो आपको बता दी कि वो एक्स कोऑर्डिनेट उसका क्या है? जीरो है, डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो है। एंड आपको पॉलिनोमियल में मैंने एक बात बताई थी, अगर आपके पास f of x is equal to a naught x raised to power n a 1 x raised to power n minus 1, ऐसे आपके पास a n ये पॉलिनोमियल है, इसकी n रूट्स होंगी, n डिग्री है तो n रूट्स होंगी, अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 कॉमा अल्फा 3 डैश डैश अल्फा n होंगी, एंड एक एक रूट्स को जोड़ते हैं तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा एम, क्या लिखेंगे इसको? दिस इज समेशन अल्फा एम, अल्फा 1 लिख दो एंड ये क्या होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ 1 डिग्री कम तक के माइनस ए 1 अपॉन ए नॉट बताया था। अगर आपने क्या किया है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डैश डैश अल्फा आर, आर आर ग्रुप्स को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, तो ये किसके इक्वल होता है? माइनस वन रेज टू पावर आर कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर एन होता है, ये होता है। तो यहां पर देखिए, अगर आप सभी अल्फा समेशन अल्फा एक एक रूट का सम क्या आएगा? दिस इज माइनस ए, एंड दो दो रूट्स का सम क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू अल्फा बीटा, this is equal to आएगा आपके पास b upon this is a तो one है, this is b and three three roots का multiplication क्या आएगा? this is alpha beta gamma, this is equal to minus c and अगला है alpha beta gamma delta, ये क्या आएगा आपके पास? d and अगला है alpha beta gamma delta and w, this is equal to e। यहाँ पर एक root zero है, W जीरो है तो ये फैक्टर जीरो हो सकता है। ये पूछ रहा है कि कौन सी डिजिट आपकी जीरो नहीं हो सकती, तो आपके पास E तो जीरो हो सकता है, बिल्कुल कोई शक ही नहीं है, क्योंकि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फाइव रूट्स एंड वन ऑफ द रूट इज जीरो, वन ऑफ द रूट इज जीरो, इसका मतलब क्या है? ये E जीरो हो सकता है। लेकिन आपके पास जब आप इसको सॉल्व करेंगे, एक फैक्टर ऐसा आएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड प्लस, चार चार का मल्टीप्लिकेशन करते हैं बाकी सभी के साथ, k
क्या आएगा आपके पास, W भी आएगा, वो सारे जीरो हो जाएंगे एंड ये P है, तो कम से कम इसका एक फैक्टर जो होगा वो क्या होगा आपके पास, नॉन जीरो होगा, तो D आपका जीरो नहीं हो सकता, D cannot be positive, D जीरो नहीं हो सकता। बाकी आप ऐड करते हैं, एक एक रूट्स का ऐड करेंगे, हो सकता है जीरो हो जाए, कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव हो, आपस में उसका समेशन करके ऐड हो जाए, लेकिन जब चार चार रूट्स का मल्टीप्लिकेशन आप ऐड करते हैं तो उसमें एक ही फैक्टर ऐसा होगा जिसमें कॉम्बिनेशन अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा होगा, एंड दैट इज नॉन जीरो बिकॉज ऑल द फैक्टर्स ऑफ दिस दीज आर नॉन जीरो। तो इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट है आपके पास द मिनिमम वैल्यू ऑफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल है आपके पास टी एक्स इज इक्वल टू दिस इज थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू। आपको ये बताया था मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होता है आपके पास, फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए होता है। ये मिनिमम कब होगी, जब ए ग्रेटर मिनिमम, दिस विल बी मिनिमम अगर ए ग्रेटर देन क्या है आपका जीरो है, ए पॉजिटिव है, एंड मैक्सिमम क्या कब होगी, जब ए इज मैक्सिमम होगी, दिस इज 4 ac माइनस b स्क्वायर अपॉन 4 a मैक्सिमम होगी जब a लेस देन क्या है आपका जीरो। यहां पर a a इज 3 एंड दिस इज ग्रेटर देन क्या है आपका जीरो है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी एंड दैट विल बी दिस इज 4 into a दिस इज 3 into 2 माइनस b स्क्वायर दिस इज माइनस 25 अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास, this is 4a this is 12 तो क्या आ जाएगा, this is equal to 12 minus 2 and this is minus 1 upon 12 this is minus 1 upon 12। next question देखिए, ये कहता है कि आपके पास एक certain equation है x क्यूब प्लस थ्री एक्स के एंड प्लस फोर एक्स माइनस इलेवन इज इक्वल टू जीरो एंड इसकी रूट्स हैं आपके पास, रूट्स आर ए कॉमा बी कॉमा सी, एबीसी रूट्स हैं एंड रूट्स ऑफ दिस इज एक्स क्यूब प्लस आर एक्स के प्लस दिस इज एस एक्स प्लस ये है आपके पास थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये है इसकी रूट्स है आपके पास ए प्लस बी बी प्लस सी एंड सी प्लस डी सॉरी सी प्लस ए ये रूट्स है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टी यहां पर देखिए, अब क्यूबिक इक्वेशन में आपको पता है ए एक्स के एक्स क्यूब बी एक्स के प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, अल्फा बीटा गामा थ्री रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिस इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दिस इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा दिस इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, ये होता है। सो यहां पर ए प्लस बी क्या आ जाएगा, इससे कैलकुलेट करते हैं प्लस बी प्लस सी this is equal to minus 3 and AB plus BC plus CA this is equal to 4 and ABC is equal to क्या है आपके पास, this is minus 11 minus 11 minus लगेगा साथ में, this is minus minus plus this is 11। अब देखिए आपके पास यहाँ T की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो ये रूट्स हैं, तो इन रूट्स का प्रोडक्ट a प्लस b और इनटू b प्लस c इनटू c प्लस a दिस इज इक्वल टू माइनस 3 दिस इज इक्वल टू माइनस 3। सो ये क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज ab प्लस ac प्लस b² प्लस bc
और इनटू सी प्लस ए इज इक्वल टू माइनस थ्री आई, एंड यहाँ का फिर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज ए बी सी प्लस आपके पास दिस इज ए सी है, ए प्लस ए सी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर ए आ गया प्लस ए बी सी आ गया। आपने किससे मल्टीप्लाई किया है, ए बी से मल्टीप्लाई, पहले ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी प्लस ए स्क्वायर बी, एंड अब ए सी से करते हैं ए ए सी स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर सी, एंड बी स्क्वायर से करेंगे प्लस बी स्क्वायर सी एंड प्लस बी स्क्वायर ए, एंड अब आप इससे करेंगे दिस इज बी सी, सो ये क्या आ जाएगा आपके पास ए बी सी है इज इक्वल टू माइनस थ्री, दिस इज इक्वल टू माइनस थ्री। यहाँ पर टू ए बी सी है आपके पास, टू ए बी सी प्लस क्या करेंगे, ए बी किस में से कॉमन लिया जा सकता है, ए बी इसमें से और इसमें से कॉमन ले सकते हैं, ए बी इंटू ए प्लस बी, एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज ए सी कॉमन ले लिया इंटू ए प्लस सी, एंड प्लस बी सी कॉमन लिया तो आपके पास क्या है बी सी, बी सी तो ए की फैक्टर है मेरे का, फिर देखो एक बार कहा दिस इज बी सी स्क्वायर भी आएगा, बी सी स्क्वायर भी आएगा, जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं बी सी स्क्वायर भी आएगा, बी सी स्क्वायर तो बी सी इंटू सी प्लस ए आएगा, सी प्लस बी आएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस थ्री। तो यहाँ पर छोड़ दिया होगा मेरे ख्याल में, ये लिख लो दिस इज बी इंटू सी स्क्वायर भी आएगा। अब यहाँ पर ए प्लस बी किसके इक्वल है, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आपके पास, दिस इज थ्री ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस C आ जाएगा, B प्लस सी क्या आ जाएगा माइनस थ्री माइनस क्या आ जाएगा माइनस ए, एंड C प्लस ए क्या आएगा आपके पास, दिस इज माइनस थ्री एंड माइनस बी आ जाएगा। वैल्यू रख दो दिस इज टू ए बी सी, टू ए बी सी प्लस ए बी इंटू ये है आपके पास माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस आपके पास दिस इज C है माइनस C, एंड प्लस ए सी इंटू माइनस बी माइनस थ्री माइनस बी माइनस थ्री माइनस बी एंड प्लस बी सी एंड माइनस थ्री माइनस आपके पास क्या है माइनस थ्री माइनस आपके पास दिस इज ए। सो ये क्या आ जाएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे दिस इज इक्वल टू टू ए बी सी, टू ए बी सी माइनस थ्री कॉमन आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एंड माइनस के आपके पास थ्री ए बी सी, दिस इज इक्वल टू माइनस ए बी सी एंड माइनस थ्री इंटू ए बी प्लस बी सी एंड प्लस सी, ये होगा ए बी सी की वैल्यू कितनी है इलेवन, दिस इज माइनस इलेवन एंड माइनस दिस ए बी प्लस बी सी दिस इज इक्वल टू माइनस थ्री इंटू फोर दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ट्वेंटी थ्री, दिस इज दैट आंसर, ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपके पास देखिए इफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस दिस इज 10x प्लस 2, ये पॉलिनोमियल है, ये कहता है कि what should be taken as x क्या करने के लिए, टू गेट द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, टू गेट द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी एक्स, एक्स की जगह क्या पुट करना चाहिए, सीधी सी बात है परफेक्ट स्क्वायर बना दो, पी एक्स इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज 10x एंड प्लस इसका हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे 25
माइनस 25 प्लस दिस इज 2, क्या आ जाएगा? दिस इज x माइनस 5 का स्क्वायर एंड माइनस दिस इज 23। अब यहां पर इस पॉलिनोमियल को आप ऐसे लिख सकते हैं एंड ये मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, सो दिस फैक्टर मस्ट बी मिनिमम, नहीं तो x इंफिनिटी की तरफ जाएगा, ये फैक्टर इंफिनिटी की तरफ जा सकता है, इसकी कितनी भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव वैल्यू ये मैक्सिमम हो सकती है इस केस में जब ये फैक्टर जीरो हो जाए, एंड ये फैक्टर जीरो कब होगा? व्हेन x इज इक्वल टू दिस इज 5, और मिनिमम वैल्यू आएगी वो क्या होगी आपकी? माइनस 23, वो आपको जो फार्मूला बता रखा है उससे निकालेंगे तो भी सेम आएगी, मिनिमम वैल्यू 4ac क्या आएगा? 8, एंड दिस इज माइनस 20 के, दिस इज क्या है? माइनस 100 है क्या? 4ac माइनस 20 के अपॉन क्या आएगा? दिस इज 4, ये क्या आ गया आपके पास? दिस इज 92 माइनस के अपॉन 4, दिस इज पर टू माइनस 23, वही वैल्यू आएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं अगर